हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग मास्टर टू चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एक्सेल में इन्वेंटरी स्टॉक शीट बना सकते हो। इन्वेंटरी स्टॉक शीट बनाने के लिए सबसे पहले कुछ सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, आपस में उसको मर्ज भी कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर पे जाके देन यहाँ पे लिख देंगे इन्वेंटरी स्टॉक। देन इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। देन इसकी सब हेडिंग बना लेते हैं। इन्वेंटरी के लिए जो जो जरूरी होती है उसकी सारी सब हेडिंग उस सब चीज के बनाएंगे हम। पहले हम दो सेल को आपस में मर्ज कर दें, जिसके लिए हम अपना पूरा नाम जो इन्वेंटरी की सब हेडिंग के लिए जो है वो लिख सकें। फर्स्ट हम पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, देन यहाँ पे लिखेंगे कंपनी नेम, देन यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, देन यहाँ पे लिखेंगे मॉडल नंबर, देन यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी, देन ईच वन प्राइस, देन यहाँ पे हम यूनिट्स लिख देंगे, देन टोटल लिख देंगे हम टोटल अमाउंट। आपकी कुछ और भी डिटेल हो है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए हमारी यही डिटेल है, इसको हम तो सेंटर कर देते हैं। देन इसको अभी बोल्ड कर देंगे, थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसको हम तो सही कर देते हैं, यहाँ से तो खराब हो गया। साइज थोड़ी कम कर देते हैं। हाँ, देन यहाँ पे हम सीएल नंबर में सीएल नंबर लिख देंगे, एक दो को सिलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग करना है। देन यहाँ से हम कंपनी नेम लिख देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है चीज की कंपनी कौन कौन सी उसका लिख देते हैं। जैसे हम पहले लिख देते हैं एचपी, क्योंकि एचपी का हमारे पास क्या है, माउस है। देन लिख देते हैं यहाँ पे लेनोवो, इसका हमारे पे क्या लैपटॉप है। देन यहाँ पे वीवो लिख देते हैं, वीवो का क्या हमारे पास मोबाइल है। देन यहाँ पे लिख देते हैं एसूस, एसूस का हमारे पेन ड्राइव है। देन यहाँ पे हम और एक दो कंपनी और लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं एप्पल, एप्पल का हमारे पास क्या है टैब। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं अगली कंपनी, जैसे हम लिख देते हैं एचपी, क्योंकि एचपी का हमारे पास क्या कीबोर्ड है। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं मोटो, मोटो का हमारे पास क्या कैमरा है। देन इस पे लिख देते हैं हम सोनी, क्योंकि सोनी का हमारे पास स्पीकर है। ऐसे आपको कंपनी के नाम लिख देने। बजाज लिख देने, इसका क्या हमारा मिक्सर। देन लास्ट हमारा क्या हो जाता है
सोनी, क्योंकि इसका वहाँ पे एलईडी है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपने प्रोडक्ट नेम लिखा, अभी इस प्रोडक्ट के मॉडल नेम लिख देते हैं। हाँ, अपना हर प्रोडक्ट का मॉडल नंबर अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से। यानी यहाँ पे हमने कितना हमारे इन्वेंट्री स्टॉक में हमारा कितना माल पड़ा है उतना उसके वैल्यू लिख देते हैं। जैसे हमारे पास अभी एचपी का माउस है वो 10-20 पीस है, देन लैपनो का लैपटॉप हमारा हो गया 5, मोबाइल हमारे पास 10 हो गए, 19 हो गए, एप्पल का टैब हमारे पास 5 पड़ा है, कीबोर्ड हमारे पास, कैमरा हमारे पास 40 पड़े हैं, स्पीकर हमारे पास 30 पड़े हैं, जल्दी से लिख दिया। देन ईच वन प्राइस, ईच वन एक माउस की वैल्यू क्या है हमें वो लिखना है, ईच वन प्राइस। जैसे हमारे एक माउस की वैल्यू हमें 500 है, देन लैपटॉप की लिख देते हम, देन हमारा मोबाइल की वैल्यू हो गई 10,000, पेन ड्राइव हमारा 500, टैब हमारा 15,000, कीबोर्ड हमारा 600, कैमरा हमारा 8,000 का हो गया, स्पीकर हमारा 6,000 का हो गया, एंड देन मिक्सर हमारा हो गया 4,500, देन एलईडी हमारी हो गई 12,000 की। देन यहाँ पे हम ये हमारे जो सारे प्रोडक्ट था इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, हर इलेक्ट्रॉनिक को पीसेस में कहते थे, तो यहाँ पे पीएस पीसीएस लिख देते हैं बस। देन इसको नीचे की तरफ लाके कंट्रोल डी से कॉपी कर देते हैं। देन प्राइस टोटल अमाउंट, जितना जितनी वैल्यू उसकी है उसको हम जितना हमारा माल है उससे इंटू कर देंगे, तो उससे हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा, जिसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देन ईच वन प्राइस पे ईच वन प्राइस का सेल लेंगे, देन इंटू करेंगे, इंटू को साइन लगाएंगे, देन क्वान्टिटी हमारे पास कितनी है वो लिख देंगे ब्रैकेट में। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी वैल्यू आ गई 10,000, वैसे नेक्स्ट भी कर देंगे। सबसे पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इंटू का साइन, देन 5 एंटर, इसकी आ गई 1,00,000। वैसे हम दोनों सेल को सेलेक्ट करके आपस में नीचे की तरफ मच नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी इन्वेंट्री स्टॉक डिटेल बन चुकी है। अब इसे हम ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले ऑल बॉर्डर कर देते हैं, देन यहाँ से हम सबसे फर्स्ट वाली टेबल को कलर कर देते हैं, देन इसकी सब हेडिंग को भी कलर कर देंगे जिससे हमारी टेबल अच्छी दिखे। देन ये ऑल वाली सिलेक्ट कर लेंगे टेबल, इसको भी कलर कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे टेबल बन के तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से अपना इन्वेंट्री स्टॉक बिल इन्वेंट्री स्टॉक जो कंपनी होती है आप यूज कर सकते हो। इसको हम ऑल सेलेक्ट करके इसको भी हम बीच में ला देते हैं, सेंटर कर देते हैं। नाउ हमारी टेबल आप तैयार हो गई है। यहाँ से आपको इन्वेंट्री स्टॉक डिटेल में आप अपनी स्टॉक जान सकते हो कि आपका कितना स्टॉक है, कितना माउस है, कितना पीसेस है, कितना आपके पास बचा हुआ स्टॉक। तो वीडियो